नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षा विदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मैं बसंत कुमार, मैनेजर वाटिका पब्लिक स्कूल्स। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए माता पिता टीचर का एक साथ समन्वय में बेटर होना ज़्यादा जरूरी है। ये दोनों मिलके ही शिक्षा के स्तर को बढ़िया से सुधार सकते हैं। तीनों ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर वो गलतियाँ कर रहे हैं। आज के डेवलपमेंट में देखा जाए तो टेलीविज़न, व्हाट्सएप वगैरह भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स स्टार्टिंग में ही अपने बच्चों को व्हाट्सएप हाथ में थमा देते हैं, बच्चे उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं। जहाँ किसी चीज़ का फ़ायदा है वहाँ पर उसका नुकसान भी है। टीचर्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बेहतर ढंग से समझे और पेरेंट्स को चाहिए कि वो भी टीचर्स को समझे और दोनों मिलजुल के ही कार्य करें तो ज़्यादा सफलता हाथ हो सकती है। यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना बहुत ही अति अनिवार्य है और मेरा मानना है कि इसे 6th क्लास से स्टार्ट करना चाहिए। बच्चे अगर हम इसको यौन शिक्षा को अगर पाठ्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते हैं करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे गलत वे में भी जा सकते हैं। उन्हें समझाया जाए कि इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। निजी स्कूल्स अपनी तरफ से बहुत अच्छी सुविधाएँ भी दे रही हैं, आपने इसे देखा भी होगा। सरकारी स्कूल में जा जा कर सुधार देख रहे हैं, उसके लिए निजी स्कूल जिम्मेदार हैं। अगर निजी स्कूल्स में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं देखी जाती तो सरकारी स्कूल के अंदर भी इतनी विकास नहीं हुआ होता जितना आप देख रहे हैं। और रही बात फीस बढ़ने की, तो जैसे व्यवस्था दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल उसके हिसाब से वो अपनी फ़ीस बढ़ा रहे हैं। सरकार हम पे पहले से ही पूरी नज़र रखी हुई है। अगर कोई स्कूल मनमाना फीस वसूलता है तो उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। खबरों में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 48।